हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट थर्ड। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पार्ट टू में बताया था कि एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उनके अंदर कौन कौन से बॉडी जो होते हैं, कौन कौन से भाग लेते हैं, उसको हम डीप में पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे पार्ट थर्ड में। सबसे पार्ट देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, उनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, इन सब सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ दिया गया है बगल कैविटी। बगल कैविटी को हम माउथ भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे हम सबसे पहले भोजन को क्या लेते हैं, हम अंदर मुंह में लेते हैं, इसलिए हम इसको माउथ कहते हैं। ठीक है, मुंह में लेते हैं तो हम उसको माउथ कहते हैं। सेकेंड हम देखेंगे फूड। फूड जो होता है बॉडी में कैसे जाता है, बॉडी में फूड जो होता है हमारे माउथ के द्वारा जाता है। सबसे पहले हम भोजन को मुँह में लेते हैं, उसके बाद उस भोजन का क्या होता है धीरे धीरे अंदर जाता है और डाइजेशन होता है। तो फूड जो होता है हमारे बॉडी में माउथ के द्वारा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट में प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जिसमें क्या होता है फूड को हम क्या करते हैं, भोजन को जब मुँह में लेते हैं उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, मुँह में लेने की जो प्रक्रिया होती है, जिसे हम भोजन को अंदर लेते हैं उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है भोजन लेने के बाद थर्ड पॉइंट में च्यू फूड थ्रू आवर टीथ एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस। अब हम यहाँ पे फूड में यहाँ पे देखेंगे भोजन को क्या करते हैं, मुंह में लेने के बाद वो क्या होता है, उसको हम भोजन को चबाते हैं। तो चबाने की प्रक्रिया में क्या होता है, उसमें टीथ आता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ समझ जाइए डिफरेंस इसमें टूथ। बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं उनको दिक्कत होती है टूथ और टीथ क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको समझेंगे कि टूथ मतलब क्या होता है, सिंगल मतलब एक दांत होता है टूथ का मतलब, और टीथ मतलब होता है प्लूरल, मतलब बहुत सारी दांतें होती है, इसको हम टीथ बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि टूथ और टीथ क्या है, क्योंकि इस वाले वर्ड को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि भोजन को कैसे लेते हैं, भोजन कैसे चबाया जाता है, किसके द्वारा चबाया जाता है। इसमें देखें थर्ड पॉइंट में बताया आपको च्यू फूड थ्रो आवर टीथ, मतलब आवर टीथ मतलब हमारे दांतों के द्वारा, एक मतलब फूड को चबाने में बहुत सारे जो दांत होते हैं हमारे, जो 32 टीथ होते हैं वो सब सारे भाग लेते हैं उनको चबाने में। इन सब सारे टीथों का यहाँ पे यूज होने वाला है। एंड ब्रेक इट इनटू ए स्मॉल सब्सटेंसेस, और उनमें से कुछ दांतों को क्या करते हैं, कुछ चबाते हैं, कुछ उनको छोटे छोटे टुकड़ों में उनको काटते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे यहाँ फोर्थ पॉइंट में इच टूथ। अब देखिए यहाँ पे क्या टूथ आया, टूथ मतलब क्या है यहाँ पे, सिंगल दांत। क्या होता है यहाँ पे, सिंगल दांत, हर एक दांत मतलब इच टूथ इज रोटेटेड और प्लेस्ड सेपरेटली टू इच अदर इन द गम्स बट आर टुगेदर। मतलब कि अब आप यहाँ समझिए कि जो दांत होते हैं सभी दांत, मतलब हर एक दांत इस टूथ मतलब हर एक दांत जो सिंगल दांत है वो क्या करते हैं, रोटेटेड करते हैं। हमारे जो गम्स होते हैं, गम्स में क्या होते हैं, लाइन से दांत देखते हैं आप लगे रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि दांत सभी एक साथ होते हैं, एक साथ दिखते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, जगह जो होता है सेपरेट होता है। मतलब हर दांत का अपना अपना एक जगह होता है, अपना अपनी एक प्लेस होती है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके दांत टूटते हैं, तो आपने देखा होगा कि दांत हमारे टूटते हैं तो टूटते हैं एक साथ, दो तीन दांत नहीं टूटते। दांत कैसे टूटते हैं, पहले एक दांत टूटता है, उसके बाद बहुत दिनों बाद फिर दूसरा दांत दूसरे जगह से टूटता है। इसका मतलब यह समझते हैं कि हमारे जो टूथ हैं इनके अपने अपने क्या होते हैं, सेपरेट जगह होते हैं। और जब हम खाना को चबाते हैं तो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मतलब घूमते हैं, ऐसे दांतों को चबाने में गम्स के साथ ही घूमते हैं। ये ऐसा लगता है कि सब एक साथ हैं पर एक साथ ही नहीं है, अपने अपने सेपरेट जगह पे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो गम्स होते हैं हमारे मसूड़े, ये क्या होते हैं, उनके साथ जो दांत होती है घूमती है, बट आर टुगेदर, लेकिन ये एक साथ ही घूमते हैं। ठीक है फ्रेंड, अलग अलग नहीं घूमते, एक ये साथ में घूमते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आप इसमें समझ गए कि जो टूथ होता है वो उनके सब अपने अपने प्लेस होते हैं, फिक्स प्लेस होते हैं सभी दांतों के, और ये एक साथ घूमते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में आवर टीथ। अब यहाँ देखिए टीथ आया है, टीथ मतलब यहाँ पे बहुत क्या होते हैं, बहुत सारे दांत। आवर टीथ आर डिफरेंट इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो दांतें होती हैं उनके हर दांत का अपना अपना अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है, अलग अलग उनका
कार्य होता है, क्या उनका काम होता है, कौन से दांत के क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट में ऑल्सो दे हैव डिफरेंट नेम। अब आप सोचते रहेंगे ये सब जो दांतें होती हैं, दांत तो सभी दिखते ही जैसे ही हैं, पर क्या इनका अलग अलग नाम भी होता है? हाँ दोस्तों, इसे क्या होता है, इनके अलग अलग नाम होते हैं। ये बहुत एक आश्चर्य की बात है कि हमारे दांत के भी नाम होते हैं। ऊपर के दांतों के नाम अलग हैं, साइड के दांतों के नाम अलग होते हैं, सामने वाले दांत के नाम अलग होते हैं, जो भी टीथ है इनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे देखेंगे कि हमारे जो दांत हैं, टीथ हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे वो कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं परमानेंट टीथ, जिसके दांतों के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ दिखाया गया है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। अब हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है। डू यू रिमेंबर फॉलिंग ऑफ योर टीथ फ्रॉम ईयर अगो? आपको याद होगा कि आपका जो दांत है, पहली बार कब गिरा था। अभी आप मान लीजिए कि 11 या 12 ईयर के हैं, लेकिन आपके दांत कब गिरे थे, ये आपको क्या याद है कि हमारे दांत पहली बार कब गिरे थे? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रोन ड्यूरिंग इन्फेंसी और एट अ वेरी यंग एज। आपका जो था पहली बार जो दांत आया था आपका बिल्कुल छोटे से उम्र में आया था, बिल्कुल कम उम्र में आया था। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं, सबसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 1 ईयर से पहले 6 महीने 8 महीने 9 महीने के जो दांत बच्चे होते हैं, उनके जो दांत आते हैं वो सबसे पहले दांत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड पॉइंट में एंड ऑल्सो दे फॉल एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको बताया कि जो सबसे पहले जो दांत आते हैं, 1 ईयर से पहले जो दांत आते हैं, उसको वो जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, आपके 6 to 8 ईयर के बीच में वो टूट जाते हैं। तो आपको याद होगा कि एंड ऑल्सो दे फॉल, और जो वो गिरते हैं कितने ईयर में आपके, यहाँ पर देखिए आप बताया गया है 6 to 8 ईयर के बीच में। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ। तो और यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको बताया कि आपके जो दांत सबसे बचपन में जो दांत आए थे वो आपके 6 ईयर से लेकर 8 ईयर के बीच में गिर जाते हैं। इस दांत को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मिल्क टीथ बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में दूधे के दांत बोलते हैं, इसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। जो सबसे पहले हमारे आए होते हैं, 1 ईयर से पहले आते हैं, और आपको 6 to 8 ईयर के बीच में ये क्या करते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे फोर्थ पॉइंट में द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस द फर्स्ट सेट और मिल्क टीथ सच टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ पॉइंट पे, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो सेकेंड सेट होते हैं, जो फर्स्ट टीथ क्या होता है, जब गिरता है तो उसके लिए आपको क्या होते हैं, सेकेंड सेट टीथ आते हैं, दूसरी बार दांत आते हैं, वो दांत क्या, उस दांत को हम क्या बोलते हैं, टीथ को हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। मतलब कि मिल्क टीथ के गिरने के बाद जो टीथ आते हैं उसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे यहाँ पे परमानेंट टीथ कैन फॉल इन द ओल्ड एज ड्यू टू द डेंटल डिजीज, अदरवाइज दे कैन लास्ट थ्रू आउट द लाइफ। अब जैसे इसमें फिफ्थ पॉइंट बताया गया कि परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि ये कभी गिरते नहीं हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये दांत हम मतलब रहते हैं, अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे कुछ दिनों के बाद गिरते हैं, जैसे इंसान बूढ़ा हो जाता है या उनके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कीड़े लग जाते हैं, तो ये परमानेंट टीथ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन अगर ये दांत हेल्दी है, अच्छे हैं, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो ये आपके लाइफ टाइम पर क्या रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने इसमें टीथ में देखा कि हमने जैसे आपको बताया कि सबसे फर्स्ट में जो टीथ आते हैं वो आपके 1 ईयर से पहले आते हैं, और जो टीथ गिरते हैं वही टीथ उसको 6 to 8 ईयर के बीच में गिर जाते हैं। तो 1 ईयर से जो पहले टीथ जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, दूधे की दांत बोलते हैं। और जो 6 to 8 ईयर के बाद दांत गिर जाते हैं, उसकी जगह पर जो दांत आते हैं, टीथ आते हैं, उसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके आगे हम अपने नेक्स्ट टेस्ट में वीडियो में देखेंगे पार्ट 4 में कि आगे टीथ के कौन कौन से और टाइप्स होते हैं और क्या क्या वे इनका फंक्शन होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।